नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार गरीबों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को फ्री में एलपीजी कनेक्शन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी अब एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। दरअसल इससे पहले ये सुविधा 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर दी जा रही थी, लेकिन अब इसमें सभी गरीब परिवारों को शामिल कर दिया गया है। इसकी जानकारी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। 2016 एक मई से शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जिसकी टारगेट पहले 5 करोड़ बाद में 8 करोड़ बढ़ाया गया था। पहले SECC लिस्ट में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जिन मित्रों की नाम है उन्हीं को ही उज्ज्वला योजना में लाभ मिलता था। बाद में जब उसकी सैंक्शन 8 करोड़ हुई तब कुछ एडिशनल कैटेगरी को बेनिफिशियरी के नाते जोड़ा गया और 7 कैटेगरी को जोड़ा गया था। ये सारे कनेक्शन अभी आज की तिथि तक 5,86,00,000 हो चुका है। 8 करोड़ की लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब इन दिनों में कई माननीय सांसद प्रधानमंत्री जी को मिले थे, सरकार की ओर से 2 जो महत्वपूर्ण अभियान ग्राम स्वराज अभियान हुई उसमें से जो ग्राउंड लेवल की ऑफिसर्स ग्राउंड लेवल पे गए थे उनकी फीडबैक आया, उसमें ध्यान में आया कि 2 ऐसे SECC लिस्ट और वो जो 7 पॉइंटर था हमारी सारे SC ST सारे अंत्योदय योजना की लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी, दियारा में, जंगल में, टी ट्राइब्स, अति पिछड़े, सारे कैटेगरी के अलाभाविक एक बड़ा वर्ग वंचित हो जाता था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभ लेने के लिए। आज कैबिनेट ने ये महत्वपूर्ण फैसला किया है इस कार्यक्रम को यूनिवर्सल करने के लिए। सारे गरीबों को जिनके वहाँ LPG कनेक्शन नहीं है वो दरखास्त करेंगे, उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। 14 बिंदु बनाया गया है, उनको कुछ ना कुछ आइडेंटिटी प्रूफ देनी पड़ेगी। उनकी LPG कनेक्शन उनके परिवार में नहीं है ऐसा एक एफिडेविट देना पड़ेगा। ऐसे छोटे छोटे 14 पॉइंट की एक एफिडेविट देने के बाद ऐसे जो वंचित लोग रह जाएंगे, यानी पहली बार भारत सरकार ने जो हमारी एक योजना रही है सबके साथ सबकी विकास, आज सही मायने में भारत की सारे घरों में यानी सारे घरों में स्वच्छ ईंधन पहुंचे, ये आज की निर्णय के बाद हो पाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि ये स्कीम देश भर में लागू की जाएगी। जिन भी परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं है वो सिर्फ एक आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर घर में स्वच्छ ईंधन हो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पीएम मोदी हमेशा इस योजना को अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनाते हैं।